हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने आर्टसल डायरेक्शन में। आज की वीडियो में लेके हैं कैसे हम अपने फेसबुक के ऑल फ्रेंड्स अनफ्रेंड कर सकते हैं एक ही क्लिक में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, इससे जो मैं वीडियो को नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुँच रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना, आपने आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे प्ले स्टोर को आप ओपन कर लेंगे, यहाँ पर आपने टाइप कर देना है कीवी ब्राउज़र, ठीक है। तो कीवी ब्राउज़र जैसे आप टाइप कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने सेम टाइप करके आपने सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी, आपने इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना अपने एंड्रॉइड मोबाइल में, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कीवी ब्राउज़र आ चुका है, तो इस तरह से आपका भी आ जाएगा, आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आगे आपने क्या करना है, मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ओपन करके दिखाता हूँ बाहर से। तो जैसे आप कीवी ब्राउज़र ओपन करेंगे आप, तो मैं यहाँ पे कीवी ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर सर्च बॉक्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपने टाइप कर देना है क्रोम वेब स्टोर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो टाइप करने के बाद आपने देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यही आपने टाइप करना है क्रोम वेब स्टोर, ठीक है। जैसे आप टाइप कर लेंगे, तो मैं टाइप कर लेता हूँ साथ में, ठीक है। तो क्रोम वेब स्टोर यहाँ पे जैसे आप टाइप करेंगे, उसके बाद आपने इसे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पहली वेबसाइट आ जाएगी, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसी साइड पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे सर्च बॉक्स मिल जाएगा एक, ठीक है। तो इस सर्च बॉक्स में आपने टाइप किया, अगर ना मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आपने टाइप करना है मल्टीपल टूल्स फॉर फेसबुक, ठीक है। तो मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम यही टाइप करना है। जैसे आप ये टाइप कर लेंगे, टाइप करने के बाद आपने इसे सर्च कर लेना है। तो मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सेम आपने यही टाइप करके सर्च कर लेना। सर्च जैसे आप कर लेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने ये एक्सटेंशन आ जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसे आपने ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर ओके करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, इसे ओपन कर लेना है। जैसे ये ओपन हो जाए, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर साइड पर चले जाना है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर साइड पर जाना आपने, मैं साइड पे कर लेता हूँ। यहाँ पे ऊपर आपको मिलेगा ऐड टू क्रोम, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। सेम इस पर क्लिक करना है आपने। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर देख सकते हैं आप, डाउनलोड हो चुका है। जब रिमूव फ्रॉम क्रोम से ये ऑप्शन आ जाता है, तो इसका मतलब डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद आपने होम बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से बाहर आ जाना है। इसके बाद आपने फेसबुक आईडी लॉगिन कर लेनी है, ठीक है, और फेसबुक आईडी ओपन कर लेना है। उसके बाद थ्री डॉट पे आपने क्लिक करना है और इसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे मल्टीपल टूल्स जो अभी आपने डाउनलोड किया वो आ जाएगा यहाँ पे, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने एक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आगे आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा टूल का, ठीक है। तो आपने टूल्स पर क्लिक करना है। जैसे आप टूल्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा फ्रंट रिमूव, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपने थोड़े वेट करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 100 पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, 100 पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आप नीचे में दिखाता हूँ आपको, जितने भी आपके फ्रेंड होंगे वो सब के सब नीचे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये शो हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, मैं दिखा, यहाँ पे ये स्टेटस लिखा हो, यहाँ से पकड़ के आपने स्लाइड करना है, ठीक है, नेम वाली साइड। जैसे स्लाइड करेंगे, इसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाएगा, ये ऊपर एक बॉक्स देख सकते हैं, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके जितने भी फ्रेंड होंगे वो सब के सब सिलेक्ट हो जाएंगे, टिक उन पर लग जाएगी, ठीक है। ये साइड पर आप देख सकते हैं, टिक इन पर लग चुकी है। तो मैं सभी फ्रेंड दिखा रहा हूँ, सभी सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपने क्या करना, ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा बाय बाय का, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने अनफ्रेंड का ऑप्शन आएगा, अनफ्रेंड पे आपने क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे, तो ऊपर आप देख सकते हैं जितने भी आपके फ्रेंड हैं वो सभी रिमूव होना स्टार्ट हो चुके हैं, अनफ्रेंड होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आप सभी के सभी फ्रेंड आप रिमूव कर सकते हैं, अनफ्रेंड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, एंड बाय बाय।